जैसे आप वीडियो बनाते हो तो क्या होता है, कई बार आपका काम इतना पसंद आता है किसी किसी को तो वो आपको सब्सक्राइब करते हैं और फिर आपके साथ यूरोप भी घूमना चाहते हैं। तो वैसे ही हमारे महेंद्र भाई एम्स्टर्डम आ गए हमारे साथ घूमने के लिए, पेरिस, ये पेरिस गए थे जिनीवा से, और अभी ये इनको लगा कि एम्स्टर्डम घूमते हैं अमित भाई के साथ में, है ना? हाँ ऑफकोर्स। चलो अच्छा, आ गए साथ में घूमेंगे अब थोड़ा। अभी जर्मनी भी जाने वाले हैं। हाँ, इसके बाद देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है अगले 4-5 दिन। ऐसे ही कार हायर करेंगे, है ना? आज ले रहे हैं ना। हाँ, कार हायर करेंगे, पहले इनको बाइसिकल दिला देता हूँ और फिर घूमते हैं एम्स्टर्डम। यमी साउथ इंडियन फूड मिल जाए सुबह सुबह तो क्या बात है। मद्रास डायरीज करके यहाँ तो कल सुबह भी आना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। ये थोड़ा सा सेंटर से दूर था लेकिन साइकिल है तो कोई दिक्कत नहीं। इस गली में पूरे रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स हैं। And here at the museum again, Rijks Museum. अब यहीं सामने अगर आई एम्स्टर्डम होता तो कितना मस्त रहता। तो एक बार और फिर से रिक्स म्यूजियम बाहर से देखते हुए एंड विदाउट गोइंग इनसाइड, और बाइसिकल से बचते हुए भी। खैर अब उधर गार्डन में देखते हैं क्या सीन चल रहा है। आई थिंक देयर इज अ हैनेकन म्यूजियम देयर समवेयर देयर, और फिर वाटल पार्क देखना सही रहेगा। सो दैट्स वैन गॉग म्यूजियम इज राइट हियर इन दिस पार्क, लुक्स गुड। इस पार्क में तो मैं पूरा दिन निकाल सकता हूँ, रिक्स म्यूजियम के ठीक सामने। और लकीली थोड़ी धूप भी आ गई है, 4 दिन बाद अब थोड़ी धूप दिखी है। और लेकिन अब थोड़ा और घूमते हैं, चलो साइकिल उठा के गो प्रॉब्ली दिस साइड। इसके पीछे वाटल पार्क है, ये 3-4 म्यूजियम है, नाम तो पता नहीं और म्यूजियम का मतलब नहीं है, लेकिन वेदर अच्छा है अभी। दिस इज़ द फेमस वैन गॉफ म्यूजियम। पता नहीं अंदर क्या है, इतने लोग जा रहे हैं, कभी समझ में नहीं आया मेरे तो कि म्यूजियम के अंदर इतना टाइम क्यों स्पेंड करना जब एम्स्टर्डम में हो तो। ये पूरा इनका स्टोर भी इधर, अपन तो सीधा चलते। सो आई एम इन वाटल पार्क राइट ना, कुछ 5 किलोमीटर लंबा पार्क है ये सिटी के बीचों बीच, मतलब थोड़ा सा आगे जाके। और छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं यहाँ पे और सो ब्यूटीफुल, सुबह से शाम निकाल सकते हो यहाँ पे भी, ऐसे पॉन्ड्स हैं छोटे छोटे। जस्ट कम सिट हियर, हैव अ गुड टाइम, रेस्टोरेंट्स हैं खूब सारे। व्हाई डोंट वी हैव सच प्लेसेस, कब होगा वो दिन। लास्ट टाइम जब आए थे तो वाटल पार्क के बिल्कुल पास में रुके थे,
तो वही मैं ढूंढ रहा हूँ घर के, यहीं कहीं रुके तो मुझे लग रहा है, अगर मिलता है तो बताता हूँ ना। लोकेलिटी तो ऐसी कुछ थी, यहाँ रुके थे लास्ट टाइम, क्योंकि इसके सामने ये जो है रेस्टोरेंट या जो भी है वो उसका याद है मुझे। मस्त लेन है ना, ध्यान से सामने एक साइकिल आ रही है। स्विट्ज़रलैंड से अच्छा लगा, अगर माउंटेन्स इन्जॉय करना है तो स्विट्ज़रलैंड है, और सिटी लाइफ इन्जॉय करना है तो एम्स्टरडम। और अब थोड़ा कैनल की साइड जा रहे हैं, वी आर सेलेक्टिंग द बेस्ट कैनल फॉर अ फोटोग्राफ, कौन सी सभी सेम है और सभी अच्छी है वैसे तो। और उसके बाद कार हायर करने के लिए वी गो टू एम्स्टरडम सेंट्रल, वहाँ पे ऑप्शन है सारे कार के। एंड आई एम एट एम्स्टरडम सेंट्रल, यहाँ से कार हायर का पता करते हैं। तो कार हो गई है बुक कल के लिए, एंटरप्राइज करके कोई है, उसके थ्रू तो नहीं हुई, यूरोप कार के थ्रू हुई, उसकी डिटेल कल बताता हूँ। अभी थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं एम्स्टरडम, भूख भी लग रही है। और इतने दिनों बाद इतनी अच्छी धूप आई, वैसे तो गर्मी लग रही है लेकिन वेदर खुल गया आज, बिल्कुल नो क्लाउड्स नथिंग, लास्ट डे में ऐसा हुआ एम्स्टरडम विच इज़ अ गुड थिंग। वेटिंग फॉर सनसेट, कि यहाँ से सनसेट कुछ दिखेगा, लेकिन सनसेट इनका 8 बजे तो सनसेट होता है, दैट्स वन इशू। और ये वाटर फ्रंट है यहाँ का सेंट्रल स्टेशन के बाद, वो सेंट्रल स्टेशन है और वहाँ से टाउन चालू होता है, और दिस इज़ द वाटर फ्रंट हियर। और अब थोड़ा सा दिन भर घूमने के बाद थोड़ा हॉस्टल जाके थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, और आज थोड़ा मौसम खुला हुआ है तो आई एम होपिंग कि सनसेट अच्छा मिलेगा। आपने कभी कार वाली बोट देखी क्या? मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखी। कुछ तो भी होता है एम्स्टरडम में। खैर शाम हो चुकी है, दिन ढल चुका है, तो लास्ट इवनिंग इन एम्स्टरडम, वो थोड़ा और घूमते हैं, देखते हैं क्या नहीं देखा है, क्या बच गया है। वैसे तो इन गलियों से आई एम वेरी फैमिलियर नाउ, अब तो लेफ्ट राइट रास्ता सब पता है, स्पेशली ये चर्च जो है इसके आसपास का तो काफ़ी कुछ पता है, और वो एंड ऑफ कैनल है